शुरू से ही मेरे संस्कार अच्छे की हो रही रहे हैं और मैं परडे सोचता हूँ कि आज क्या करना है, विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए क्या करना है। तो जब मैं शुरू में आया था तो ये विद्यालय यहाँ तक ही था, कक्षा 8 तक विद्यालय चलता था। उसके बाद विभाग से जिनसे संपर्क करके विद्यालय की बाउंड्री को बढ़ाया गया। 4 दीवारी पहले थी, मेन गेट छोटा था, उसको बदलवाया गया। विद्यालय के अंदर की जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए भी स्टाफ से बैठ करके बातचीत करते हुए भैया इस योजना पे कार्य किया जा सकता था क्या, कि सारे स्टाफ की सहमति होती, प्रधानाध्यापक जी से बात करते तो सभी का सहयोग, प्लानिंग पहले तैयार करते फिर उसकी क्रियान्वित के लिए पर डे थोड़ा सा उसको शाम के समय बैठ करके कल क्या करना है, फिर उसकी दूसरे दिन शाम को बैठ के भाई आज किसने काम नहीं किया, किसने किया, सारी बातचीत हम करते। फिर राज्य सरकार का भी नारा था भाई हरियाली होनी चाहिए, वास्तव में समस्या थी तो, और यहाँ भी थोड़ा सा महसूस हुआ। तो पिछले हर साल हम 150 पौधे करीब लगाते हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन की वजह से ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन आखिर फिर हमने डिसीजन लिया भाई इन गड्ढों को भी गहरा करवाया जाए, मिट्टी बदलवा दी जाए। फिर इनकी सुरक्षा का सवाल आया तो हमने टीम गठित कर रखी थी, इनके एक डायरी मेंटेन करता हूँ मैं, इनके वृक्षारोपण के लिए भी प्रत्येक बालक को पौधा अलॉट किया हुआ है, साप्ताहिक वो पानी देता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर टीचर जो हमारे जो टीचर हैं उनको भी जिम्मेदारी रख, 10-10 की जिम्मेदारी दे रखी है। उसके बाद इनकी सुरक्षा पर भी भाई कैसे ये सुरक्षित रहे, जानवर भी अंदर आ जाते हैं कभी कभी। तो फिर यहाँ एक वर्ल्ड विजन नाम की संस्था चलती है तो उनसे हमारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा भाई आपके विद्यालय के लिए क्या दिया जा सकता है। तो फिर मैंने कहा ट्री गार्ड सबसे पहले आप उपलब्ध करवाए, तो आते ही इनको लगाया जो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर, शायद ये 4-4, 5-5 फीट के करीब पौधे हो चुके हैं। अब सफलता मिलने लगी है। पेयजल की यहाँ थोड़ी समस्या है, आज भी है पेयजल की संबंधी समस्या, और यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए दल बने हुए हैं, प्रत्येक दल में 10-11 बालक हैं, उसके ऊपर एक टीचर है जो शाम को मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ की गुणवत्ता अति उत्तम तो नहीं कह सकते लेकिन उत्तम ज़रूर है। शाम को बच्चों को सामान्य ज्ञान की, पहाड़ी संबंधी जानकारियाँ, अंकों की जानकारियाँ, हिंदी की, संस्कृत की, अंताक्षरियाँ, यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। विभाग द्वारा दिए गए समस्त कार्य सही समय पर किए जाते हैं। शौचालय के लिए भी यहाँ शुरू में टाइलें नहीं थी तो यहाँ टाइलें लगवाई गई सब में, और डेली इनकी फिनाइल से धुलाई करा के सफाई करवाई जाती है, आज भी करवाई जाती है। और इनके भी रूटीन में है ये, हमारे 7 कार्य जो दिए गए हैं उन 7 कार्य में इनको भी सम्मिलित कर रखा है। ओसार की यहाँ बड़ी उत्तम व्यवस्था है, बिल्कुल बालक बैठ करके, वो हमने जीवन पट्टी बनवा रखी है, बालक बैठते हैं तो दल भी बना रखे हैं, कौन सा दल आज परोसगारी करेगा तो वो दल सिस्टम भी हमारे यहाँ पर बना हुआ है। संक्षिप्त में ये है कि जैसे पानी की व्यवस्था थी ना, तो मैंने जब शुरू में किया ना, मैंने कहा हर क्लास के बाद मैंने स्टैंड बना रखे हैं, और पानी की समस्या थी तो शुरू शुरू में बच्चे पीते नहीं थे, क्या बात है, कैसा है, कैसा है, ऐसा नहीं। भोजन में भी यही समस्या आती थी। परोसगारी में दल कम्बाइंड है तो कोई SC ST का था तो वो बच्चे लेते नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे एक साथ मैंने ये प्रयास नहीं किया, धीरे धीरे मैंने प्रयास किया और आज मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ। सबसे पहले मैं उन बालकों से मैं खुद पानी पीने लगा, फिर बालक अनुसरण करने लगे। ये चीज़ अच्छी, आज ये चीज़ नहीं है विद्यालय में कि बच्चे जाति का भेदभाव रखते हों। एक समस्या ये थी जो ये काफ़ी प्रयास के बाद हुआ कि आस पास के जो सुबह सुबह ग्रामीण क्षेत्र गाँव के जो बालक आते थे सुबह सुबह शौचालय शौच करते थे, शाम को दिन में हम जब यहाँ अध्ययन करवाते हैं तो सभी को थोड़ी परेशानी होती थी। इसके लिए यहाँ की जो ग्राम समिति है उसको बुलवा करके हमने बातचीत की, प्रयास थोड़ा सा सफल हुआ। हमने जगह निर्धारित की भाई आप इसके आसपास कुछ भी नहीं, आप थोड़ा सा दूर जाइए, खेत है तो वहाँ जाइए। फिर शौचालय के लिए इनको प्रेरित किया तो आज काफ़ी घरों में शौचालय भी है। डांडीदार लोटे का प्रयोग हमने यहाँ गाँव में करवाया, और यहाँ जो सोच की समस्या थी जो शाम को माइक की जो आरती के समय जो गांव वाले इकट्ठे होते माइक में भी हमने वो आवाज़ लगवाई, भाई ये मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है, जिस प्रकार आप मंदिर आ रहे हैं यहाँ स्वच्छता है,
तो वह चीज़ ही अपने विद्या जिसमें विद्या के मंदिर में भी ये चीज़ें रखे हैं, तो गांव वालों का पूरा सहयोग है, इज्जत देते हैं, हम भी देते हैं, वो भी देते हैं, और स्टाफ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और राय से हम सारा काम करते हैं।